रूस यूक्रेन के बीच बने बारूदी हालात में न्यूक्लियर तबाही टालने के लिए आईएईए ने ज़ापोरिज़्या प्लांट को बचाने का इंतजाम कर लिया है, लेकिन सर्वनाश की आशंका टालने का इंतजाम कोई नहीं कर पाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार फिर न्यूक्लियर प्लांट के जरिए एटमी विनाश की तैयारी हो रही है और इस तैयारी का मुख्य किरदार है यूक्रेन, जिसे मदद अमेरिका से भी मिल सकती है। ऐसा क्यों और न्यूक्लियर तबाही की वो तारीख क्या है, देखिए इस रिपोर्ट। आईएईए ने वॉर जोन में खड़े ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट से होने वाला विनाश तो टाल दिया, लेकिन सर्वनाश की आशंका नहीं टाल सका। एपिसेंटर यही ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट है। आपने बिल्कुल सही सुना, 5 जुलाई को ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट के तबाह होने की आशंका से जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी उन पर विराम तो लग गया, लेकिन एक नया विनाशकारी माहौल तैयार हो गया। ये माहौल है 11 जुलाई से पहले न्यूक्लियर तबाही का, और इस तरह का माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार है नेटो के अंदर की हलचल, यानी रूस के खिलाफ एक्शन में नेटो के बिगड़े संतुलन को फिर से बनाने के लिए न्यूक्लियर ट्रिगर दब सकता है। फिर ZNPP एपिसेंटर, तय तबाही न्यूक्लियर। अब तक के हालात में रूस ने ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट करने पर यूक्रेन का घेराव किया था, जिसमें दावा था कि 5 जुलाई को ही मिसाइल या ड्रोन से पावर प्लांट पर हमला हो सकता है। लेकिन 5 जुलाई की तारीख टलते ही यह आशंका भी टल गई, पर अब दावा है कि ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट से न्यूक्लियर विनाश की बुनियाद रखने की रणनीति तैयार है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। और रणनीति यह है कि 11 जुलाई से पहले तबाही मचाई जाए। ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट की तबाही को लेकर तैयारी नेटो ने नहीं की है, बल्कि बारूदी एक्शन यूक्रेन और अमेरिका की तरफ से दिख रहा है। खबर है कि ZNPP की तबाही का मकसद टूटते नेटो को फिर से एकजुट करना है, ताकि मदद के नाम पर हथियारों के साथ साथ सेना भी साझा हो सके। लेकिन सवाल सर्वनाश के लिए तय हुई तारीख 11 जुलाई पर है। आखिर 11 जुलाई के पहले ही न्यूक्लियर प्लांट के तबाह होने की आशंका क्यों है? इस सवाल के जवाब कुछ बिंदुओं में मिल रहे हैं। दरअसल 11 और 12 जुलाई को नेटो की सालाना बैठक है। लिथुआनिया में होने वाली बैठक में यूक्रेन युद्ध मुख्य मुद्दा होगा। इसमें कई नेटो देश यूक्रेन को हथियार देने से मना कर सकते हैं। वहीं ज़ेलेंस्की ने नेटो के रुख पर सैन्य कमांडर के साथ गुप्त बैठक कर ली है। आपने बिल्कुल सही सुना, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कमांडर इन चीफ ऑफ स्टाफ के साथ बैठक की है, और इस बैठक का एजेंडा न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा के साथ साथ गोला बारूद का उत्पादन बढ़ाना था। मतलब साफ है कि नेटो के रुख में बदलाव को भांप लिया गया है, जिसे पहले जैसी स्थिति में पहुंचाने के लिए एक विनाशकारी धमाके की जरूरत है, जिसका खुलासा एक रूसी सांसद ने भी किया है। रूस के सांसद लियोनिद स्लटस्की के मुताबिक ज़ेलेंस्की नेटो के शिखर सम्मेलन से पहले ZNPP को तबाह करने के साथ रूस पर आरोप लगाने की तैयारी कर रहा है, ताकि नेटो भी इस जंग में शामिल हो जाए। लेकिन ये संभव है कि अमेरिका के साथ मिलकर रणनीतिक एक्शन से और यूक्रेन को अमेरिका के साथ मिलना तकरीबन तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस एक्शन से नेटो की फूट खत्म करना और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व अपने हाथ में रखना अमेरिका के लिए आसान होगा। अब सवाल नेटो में टूट पर है, क्या ये सच है? जवाब भी देखिए। जर्मनी ने यूक्रेन को टैंक की सप्लाई फिलहाल रोक दी है। फ्रांस ने भी यूक्रेन को सप्लाई पैकेज की समीक्षा शुरू कर दी है।
हंगरी भी यूक्रेन को और हथियार देने के पक्ष में नहीं है। नेटो की बैठक में हंगरी हथियार आपूर्ति के खिलाफ मतदान भी करेगा। इसके अलावा तुर्की भी संभवतः यूक्रेन को हथियार देने पर नाराजगी दर्ज करने वाला है, यानी 31 देशों के जिस संगठन में यूक्रेन एंट्री के लिए बेसब्र हो रहा है वो यूक्रेन को दी जा रही मदद पर ही टूट रहा है। और इस टूट से बचने का रास्ता है ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट पर हमला, जिसमें अमेरिका भी शामिल हो सकता है। इसके कारण बिंदुवार समझिए। पहला कारण यह है कि ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट से रूस के खिलाफ माहौल बनेगा। दूसरा कारण यह है कि रूस के खिलाफ नेटो फिर से एकजुट होगा। तीसरी वजह है यूक्रेन के खिलाफ नेटो में बन रहा माहौल खत्म हो जाएगा। चौथी वजह है जंग में यूक्रेन को बड़ी मात्रा में हथियारों की मदद मिलेगी। और पांचवी वजह है दुनिया में अमेरिका के हथियार बाजार का विस्तार नए सिरे से होगा। यानी नेटो की बैठक से पहले ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट पर हमला संभव है, जो यूक्रेन और अमेरिका की रणनीति के तहत होगा। अब सवाल यह है कि अगर यूक्रेन ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक करता है तो वो इसके आरोप रूस पर कैसे मढ़ेगा, जबकि हकीकत यह है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा खुद रूसी सेना कर रही है। क्या अमेरिका और यूक्रेन आरोप लगाएंगे और पूरी दुनिया इसे सच मान बैठेगी, या फिर इस रणनीति में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की भी कोई भूमिका होगी? ZNPP से मचने वाली तबाही को लेकर किसी भी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए IAEA ने भले ही ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट में किसी भी तरह के विस्फोटक न होने का दावा किया है, लेकिन एक दरवाजा आरोप लगाने के लिए खुला रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि कुछ क्षेत्र IAEA की पहुंच से अब भी दूर है, जहां रूस के विस्फोटक होने का दावा अभी से ही होने लगा है। ये दो तस्वीरें सैटेलाइट से ली गई, जिसमें पहली तस्वीर में छत पूरी तरह क्लीन दिखाई गई है, लेकिन दावा है कि 5 जुलाई को ली गई तस्वीर में चौथी यूनिट की छत पर कुछ सामान रखा हुआ देखा गया है। हालांकि सच क्या है इस पर अभी कोई दावा नहीं है, लेकिन खबर सच है तो रूस पर ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट की तबाही का आरोप बढ़ने की तैयारी पहले ही हो चुकी है। इसलिए रूस भी सतर्क है, ताकि 1986 की चेर्नोबिल जैसी घटना से न सिर्फ बचा जा सके बल्कि दुनिया के सामने न्यूक्लियर विलन बनने से भी बचाव हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।